जी तो रुपी में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो इट्स अबाउट टू क्रॉस टू द अपसाइड, और उसके लिए क्लोज चाहिए था, वो मिल गया, और उसके बाद हमारे पास स्टोकास्टिक मोमेंटम जो अगेन टू द अपसाइड, एंड दिस टाइम अराउंड इट इज अबव फ्रॉम द लेवल 80, और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट हमने हाई बनाया था उससे नीचे भी हमें क्लोजेज नहीं मिले सिवाय एक एक्सेप्शन के विच कुड बी अ बेयर ट्रैप. मैंने बताया था कि अगर इसके वापस ऊपर जाके क्लोज होते तो दिस कुड बी यू नो प्रूविंग एज अ बेयर ट्रैप इन द फ्यूचर. राइट नाउ इट सीम्स सो कि ये बेयर ट्रैप ही था, लेकिन अभी हमारे पास क्योंकि इसको हमने अभी टेकआउट नहीं किया अगेन फॉर क्लोज, तो 175.4 इफ वंस दैट गेट्स टेकन आउट, यानी कि इसके ऊपर अगर हमें डेली क्लोज मिल जाता है फॉर द कंटिन्यूशन ऑन द रुपी अगेन टू द अपसाइड, फंडामेंटल्स आर ऑल्सो हेल्पिंग इन द सेम क्राइटेरिया के जो रुपी है उसके ऊपर मजीद जो है वो ऊपर की तरफ मोमेंटम चलेगा फिलहाल. और यहाँ से जो है जब स्टोकास्टिक इस साइड से मूव लेता है तो उसके बाद काफी बड़े मूव्स आते हैं, तो जस्ट वॉच आउट फॉर दैट. हमारे पास जो डाइवर्जेंसीज थी वो फिलहाल जो प्ले आउट हो गई थी यहाँ पे, यू कैन सी इट ओवर हियर बिटवीन दिस वन एंड दिस वन, इट प्लेड आउट. अब हमारे पास मजीद फिलहाल डाइवर्जेंस नहीं है ऑन द डेली टर्म टाइम फ्रेम अंटिल एंड लेस दैट वी मेक अ लोकल हाई. सो लोकल हाई जब तक नहीं होगा तब तक डाइवर्जेंसेज नहीं आएंगी, और लोकल हाई जो है वो आई थिंक इसके ऊपर ही जाके बनेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे आता तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्पाइक हाई, और स्पाइक हाई जो है वो सिर्फ एक अगेन इट वुड बी पार्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन और कंसोलिडेशन. तो लोकल हाई जो है इफ वी गेट अ थर्ड कंसेक्यूटिव हायर हाई अलॉन्ग विद द डाइवर्जेंस इन द आरएसआई देन दैट इज गोइंग टू कंफर्म दैट. लेकिन इस दफा जो डाइवर्जेंस थी वो इट वॉज प्रिटी क्लोज टू द प्रीवियस वन, सो आई हाईली डाउट कि हमारे पास इस दफा आरएसआई जो है वो नीचे रह जाए. अगर रह भी जाती है तो ऑब्वियसली जब तक लो नहीं फॉर्म होता सॉरी हाई नहीं फॉर्म होता तब तक इसको जो है कंफर्म नहीं किया जा सकता. तो दिस इज इट फॉर रुपी, थैंक यू.